गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण आप सभी को। स्टूडेंट्स, कंपलसरी इंग्लिश की क्लास 12 की जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आप सभी का हार्टली वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। मैं हरिशंकर शर्मा आज अंग्रेजी का एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, मैंने आपको जो सिलेबस बताया था उस सिलेबस में मैंने कहा था कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा, 12 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, यू कैथिंग सॉल्ट कंपोजिशन में हमारे जो क्वेश्चन है वो 5 टॉपिक हैं, उनमें से कोई से भी 2 क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनमें से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अथवा में आता है 2 आते हैं जिनमें से एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है, जिसमें मैंने कहा था एक आपका नोटिस का क्वेश्चन, एक इन्विटेशन वाला टॉपिक, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और आर्ग्यूमेंट्स। अभी तक हम 2 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। इन्विटेशन वाला टॉपिक मैं आपको पूरा करा चुका हूँ और एक नोटिस वाला जो टॉपिक है वो भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ तक कि प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो एक नया टॉपिक होगा, सॉल्ट कंपोजिशन का एक तीसरा जो टॉपिक है आज हम उसे पढ़ेंगे। और वो जो टॉपिक है वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। क्या होता है एडवर्टाइजमेंट? विज्ञापन, या हम इसे कहते हैं सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन क्या होता है? कोई सार्वजनिक सूचना होती है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। फिर हमें पढ़ना है एडवर्टाइजमेंट कितने टाइप्स का होता है और हमारे सिलेबस में हमसे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, देखनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको जो स्क्रीन पर बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ये आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, प्रिंट किया है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, विज्ञापन किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एन एडवर्टाइजमेंट इज ए काइंड ऑफ ए पब्लिक अनाउंसमेंट। जैसे मैंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, एक सार्वजनिक सूचना होती है, मतलब उसमें किसी एक को सूचना नहीं दी जाती, सार्वजनिक रूप से अनाउंसमेंट की जाती है। और आगे कहा है विच इज मेड थ्रू ए पॉपुलर मीडिया, और ये जो एडवर्टाइजमेंट, ये जो विज्ञापन दिया जाता है ये किसी लोकप्रिय मीडिया के माध्यम से दिया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन कोई पत्रिका हो सकती है, रेडियो के माध्यम से हो सकता है, टेलीविजन के माध्यम से हो सकता है। अर्थात न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक जो अनाउंसमेंट की जाती है, सार्वजनिक जो सूचना दी जाती है किसी उत्पाद के बारे में, किसी सेवा के बारे में, किसी जॉब के बारे में, तो वो जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। और जनरली होता क्या है कि एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज होती है वो अपनी चीज को, अपने उत्पाद को प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने उत्पाद को पॉपुलरिटी दिलाने के लिए कम शब्दों में ज्यादा अच्छी रूप में उसे क्या करते हैं, लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। तो वो प्रस्तुत करने का माध्यम जो है वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए क्या होता है, सूचना का कोई भाग होता है, ना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो सूचना किसी न्यूज़पेपर में दी जाती है या टीवी पर दी जाती है या किसी पिक्चर होने वाली है, दीवार पर कोई पिक्चर तस्वीर लगाकर भी हम विज्ञापन दे सकते हैं, तो विज्ञापन पिक्चर के द्वारा भी दी जाती है, तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। कहने का मीन्स वही है मैं जो अभी बता रहा था आपको कि किसी भी मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, रेडियो है, टेलीविजन है या फिर पिक्चर है, कोई भी पोस्टर है, तस्वीर है, उसके माध्यम से किसी उत्पाद या किसी सेवा के बारे में, किसी वस्तु के बारे में प्रचार प्रसार करना या उसके बारे में एक जानकारी देना, लोगों में एक विश्वास दिलाना कि ये वस्तु उनके लिए अच्छी होगी, लाभप्रद होगी और उन्हें खरीदने के लिए क्या कर देना, लालायित कर देना, वो जो माध्यम कहलाता है वो माध्यम क्या कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। और आगे दिया है कि विज्ञापन में होता क्या जनरली, तो देखिए It tries to persuade people to buy something to interest them in a new job or service at extra. देखिए होता क्या है कि advertisement क्या करता है, tries करता है, कोशिश करता है, persuade लोगों पे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो buy something, किसी चीज को खरीदें
या फिर इंटरेस्ट रुचि पैदा करें उनमें रुचि पैदा करता है और काय के प्रति किसी नए कार्य के प्रति और या फिर किसी सेवा के प्रति जो है क्या की जाती है इंटरेस्ट पैदा की जाती है और वो इंटरेस्ट पैदा करने का जो माध्यम होता है वो क्या होता है एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि विज्ञापन के द्वारा किसी जॉब के बारे में, किसी सेवा के बारे में, किसी वस्तु के बारे में क्या किया जाता है, लोगों को विश्वास दिलाया जाता है, उसके प्रति रुचि पैदा की जाती है उसको खरीदने के लिए या उस जॉब को करने के लिए, या व्यक्ति खुद कोई जॉब करना चाहता है तो अपने आप को प्रकट बताने के लिए, शो करने के लिए एक सामने वाले व्यक्ति में विश्वास पैदा किया जाता है और वो विश्वास पैदा जिस माध्यम से किया जाता है वो माध्यम क्या कहलाता है एडवर्टाइजमेंट कहलाता है, अर्थात पब्लिक अनाउंसमेंट की जाती है, सभी लोगों के अनाउंसमेंट की जाती है, घोषणा की जाती है, सूचना दी जाती है और मुकाई के माध्यम से या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी मैगजीन के माध्यम से और या फिर किसी रेडियो के माध्यम से। और ये विज्ञापन बनाने वाली जो कंपनी एडवर्टाइजिंग जो कंपनी होती है वो बेस्ट वे में श्रेष्ठ तरीके से अपने उत्पाद या सेवा को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करती है कि सर्वश्रेष्ठ तरीके से अपने विज्ञापित करती है, उसे एडवर्टाइज करती है। अब हमें ये पढ़ना है तो ये तो पढ़ा है, ये तो हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं, बस जनरल जानकारी हमें होनी चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। अब हमें देखना है कि एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, विज्ञापन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए विज्ञापन कितने प्रकार का होता है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट जो होता है जनरली टू टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, एक तो कौन सा होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं वर्गीकृत विज्ञापन, क्या कहते हैं हिंदी में इसको वर्गीकृत विज्ञापन। दूसरा जो होता है ये होता है नॉन क्लासिफाइड, क्या होता है नॉन क्लासिफाइड, या हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो होता है डिस्प्ले, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं, एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जिसे हम वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं, एक होता है नॉन क्लासिफाइड या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट और इसे हिंदी में कहा जाता है अवर्गीकृत विज्ञापन। अब देखिए क्लासिफाइड क्या होता है और नॉन क्लासिफाइड क्या होता है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, तो अब हमें इसको समझना है। तो ध्यान रखिएगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पहली चीज की जनरली ये दिया जाता है न्यूज़पेपर में, अगर आपने देखा हो तो न्यूज़पेपर में शायद संडे के दिन मध्य वाले जो पेज होते हैं उसमें बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर लिखा हुआ था क्लासिफाइड, क्या लिखा हुआ था क्लासिफाइड। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जनरली जो दिए जाते हैं वो किसमें दिए जाते हैं, न्यूज पेपर में दिए जाते हैं, जबकि नॉन क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये जनरली जो दिए जाते हैं टीवी रेडियो ठीक है एटसेट्रा जो मीडिया जो है उनमें दिए जाते हैं, पहली बात। दूसरा कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ये जनरली जो है वर्बल होते हैं, अर्थात शाब्दिक रूप में लिखे जाते हैं, इनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक लिमिट वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स लगभग उनमें लिखा जाता है, वर्बल रूप में ही लिखा जाता है इसे, जबकि नॉन क्लासिफाइड जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स वर्बल भी होता है प्लस विजुअल भी होता है, अर्थात शाब्दिक रूप में तो लिखा जाता ही है लेकिन विजुअल रूप में भी लिखा जाता है, मतलब विजुअल भी होता है अर्थात दृश्य भी होता है, चित्र भी इसमें संबंधित चित्र भी उसमें दिए हुए होते हैं। थर्ड चीज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होता है ध्यान रखना जनरल मासिज के द्वारा दिया जाता है,
मतलब सामान्य जनता के द्वारा जो विज्ञापन दिया जाता है वो कौन सा विज्ञापन होता है? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है। जबकि ध्यान रखिएगा, नॉन क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होता है इन मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, या जो कंपनीज होती है उन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा दिए जाते हैं, मतलब कहने का मतलब कॉमर्शियल होता है, यूं कह सकते हैं इसको। कैसा होता है ये? कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। वो जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वाणिज्यिक व्यापारिक एडवर्टाइजमेंट होते हैं। जबकि क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जनरल मैसेज के द्वारा दिए जाते हैं, सामान्य जनता के द्वारा दिए जाते हैं। तो फिर एक बार रिपीट करूंगा, आपको ध्यान होना चाहिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। क्योंकि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्लासिफाइड वर्गीकृत विज्ञापन न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं जनरली, इन्हें जनरली जो दिया जाता है वो टीवी रेडियो और एक्स्ट्रा पर दिया जाता है। जनरली मतलब सामान्यतः न्यूज़पेपर में होंगे, हो सकता है वहां भी दे दिए जाए टीवी वगैरह पर भी, लेकिन जनरली न्यूज़पेपर में दिए जाएंगे। दूसरी जो मुख्यतः बात है कि ये वर्बल होते हैं, शाब्दिक होते हैं। जबकि नॉन क्लासिफाइड या डिस्प्ले जो होते हैं इनमें वर्बल एवं शाब्दिक तो होते ही हैं, साथ ही विजुअल होते हैं, चित्र भी दिए होते हैं। थर्ड जो बात है कि ये जनरल मैसेज के लिए होते हैं, जन सामान्य जनता के द्वारा ये दिए जाते हैं, और ये जो दिए जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा दिए जाते हैं, निर्माता जो कंपनियां होती है उनके द्वारा ये विज्ञापन दिए जाते हैं। और एक चीज और कहते हैं कि ये जो विज्ञापन होते हैं ये कौन से विज्ञापन होते हैं? कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये वाणिज्यिक व्यापारिक विज्ञापन होते हैं। तो हम इसको भले ही यूं भी कह सकते हैं, नॉन क्लासिफाइड या डिस्प्ले या कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी हम इसे नाम दे सकते हैं। तो ये हैं आपके एडवर्टाइजमेंट के टू टाइप्स, एडवर्टाइजमेंट के दो प्रकार। अब देखिए, नाम दिया है जैसा कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक और बात है कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें 99% 99.99% जो क्वेश्चन होगा वो एडवर्टाइजमेंट का होगा। और वो कौन से एडवर्टाइजमेंट से होगा? आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से होगा, वर्गीकृत विज्ञापन से होगा। 0.01 संभावना नहीं कहूंगा, अदरवाइज 99.99% संभावना होगी कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो कहां से आएगा, वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से पूछा जाएगा। एक चीज और, ज्यादातर जो क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एडवर्टाइजमेंट से संबंधित ही पूछे गए, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से संबंधित प्रश्न क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए। तो देखिए, क्लासिफाइड नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इनमें क्लास दो तीन की, अर्थात इन्हें विभिन्न क्लासेज में डिवाइड किया जाता है, विभिन्न वर्गों में डिवाइड किया जाता है। तो हमें देखना है कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को कौन कौन से वर्गों में विभक्त किया जाता है, इसके कौन कौन से क्लासेज होती हैं, इसके कौन कौन से वर्ग होते हैं, और वहीं से संबंधित हमें क्वेश्चन पढ़ने होंगे। तो देखिए, ये जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं इनको निम्नलिखित क्लासेज में डिवाइड किया जाता है। अलग से बना देता हूं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की निम्नलिखित क्या होती है, क्लासेज होती है, निम्नलिखित वर्ग होते हैं, वो कौन कौन से वर्ग है वो देखिए। बात कर रहे हैं हम काहे की, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो इनके कुछ वर्ग हैं, हम वर्ग की बात करते हैं, कौन कौन से वर्ग हैं। नंबर एक, मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है वैवाहिकी। क्या होता है इसका मतलब? वैवाहिकी, अर्थात विवाह से संबंधित जो विज्ञापन दिए जाते हैं क्लासिफाइड के कौन से कॉलम में बनाए जाते हैं? मैट्रिमोनियल्स के कॉलम में बनाए जाते हैं। तो हम बनाएंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे, फॉलो करेंगे कि मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। और इसमें भी ध्यान रखना, मैट्रिमोनियल्स में भी दो चीजें होती है, एक तो किसके लिए, वांटेड ब्राइड के लिए, ब्राइड चाहिए, और दूसरा वांटेड ब्राइडग्रूम, या सीधा कह दें ग्रूम, ठीक है। एक तो वर चाहिए, वर के लिए, और दूसरा वधु के लिए। और एक चीज और बता दूं, मैट्रिमोनियल्स जो एडवर्टाइजमेंट है ये तो 19th जो सेंचुरी है ना वहां पर उसमें ज्यादा प्रसिद्ध थे, और ये जो विज्ञापन जनरली दिए जाते थे वधु की तलाश में दिए जाते थे। तो हमें पढ़ना है किस प्रकार से विज्ञापन बनाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो विज्ञापन है वो है अकोमोडेशन से संबंधित। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन कहते हैं आवास को, काय को कहते हैं? आवास, रहने की जगह।
आवास संबंधी विज्ञापन, और आवास संबंधी विज्ञापनों में हमें दो प्रकार से बनाना है, एक तो ऑन रेंट से बनाना है, हमको ऑन रेंट का मतलब होगा किराए पर लेना, कोई जगह रहने की हमें क्या लेनी है, किराए पर लेनी है, तो उसके लिए विज्ञापन कैसे बनाते हैं ऑन रेंट वाले कॉलम में, और एक बनाना होता है इसमें टू लेट के लिए, और टू लेट मतलब किराए पर देना, तो जब होता है ना कहीं लिखा हो टू लेट, इसका मतलब है कि वो जगह किराए पर देने के लिए है। तो किस प्रकार से किराए पर लेने ऑन रेंट के लिए विज्ञापन बनाया जाता है, और किस प्रकार किराए पर देना अर्थात टू लेट के लिए विज्ञापन बनाया जाता है, यह हमें पढ़ना है कौन सा कॉलम में, एकोमोडेशन के कॉलम में। इसके अलावा हमें पढ़ना है विज्ञापन कौन सा, टू परचेज और फोर सेल, कौन सा पढ़ना है, क्रय विक्रय, हिंदी में कहेंगे हम उसको क्रय विक्रय हेतु विज्ञापन, कोई चीज खरीदनी है या फिर कोई चीज बेचनी है तो उनके लिए विज्ञापन किस प्रकार से बनाया जाता है। फिर हमें पढ़ना है सिचुएशन वैकेंट और वांटेड, सिचुएशन वैकेंट और वांटेड, ये क्या है ध्यान देखें, समझाऊंगा मैं आपको वैसे अगर पढ़ूंगा इसको भी ध्यान बता दूं। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है जब संस्था में कोई पद खाली और संस्था उन पदों के लिए लोग चाहिए, व्यक्ति चाहिए, तो उसके लिए संस्था जब विज्ञापन देती है, जैसे कि सपोज करो कोई स्कूल है, स्कूल में टीचर का पद खाली है, तो स्कूल के द्वारा उस पद के लिए विज्ञापन जो दिया जाएगा वो कौन सी कॉलम में दिया जाएगा, सिचुएशन वैकेंट वाले कॉलम में दिया जाएगा। और एक होता है सिचुएशन वांटेड, कोई व्यक्ति जॉब की तलाश में जब विज्ञापन देता है तो वो कौन सा विज्ञापन होता है, सिचुएशन वांटेड, जैसे मैं हूं मुझे जॉब की कोई तलाश है और मैं विज्ञापन के माध्यम से जॉब ढूंढ रहा हूं, तो मैं वो विज्ञापन जो बनाऊंगा उसको जिस कॉलम में बनाऊंगा वो कॉलम कौन सा होगा, सिचुएशन वांटेड जो कॉलम होगा। नेक्स्ट जो है वो कौन सी क्लास होती है, वो होगी आपकी लोस्ट एंड फाउंड से संबंधित, खोया पाया जिसे आप कहते हो, कोई चीज खो जाए तो उसका विज्ञापन कैसे बनाना होता है, और कोई चीज प्राप्त हो तो उसका विज्ञापन किस प्रकार बनाना होता है। इसी के साथ हमें पढ़ना होगा मिसिंग ए पर्सन, ये पढ़ा था लोस्ट फाउंड में कोई चीज वस्तु खो जाने पर, और एक है हमारे यहाँ पे मिसिंग ए पर्सन, कोई व्यक्ति जब मिस हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उससे संबंधित विज्ञापन किस प्रकार से बनाया जाता है। फिर एजुकेशनल विज्ञापन, शिक्षा से संबंधित शैक्षिक जो विज्ञापन है उनको किस प्रकार से बनाया जाता है, और लास्ट हम लेंगे अदर्स, अन्य प्रकार के कोई जो विज्ञापन होंगे, मतलब विविध क्वेश्चंस वाले जो हम लेंगे उनको हम अदर्स में शामिल करेंगे। तो ये क्या हो गई विज्ञापन की, एडवर्टाइजमेंट की, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की क्या हो गई है, क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी, विभिन्न वर्ग हो जाएंगे, जिसमें पहला वर्ग होगा मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक विज्ञापन होंगे, विवाह से संबंधित सारे विज्ञापन इस कॉलम में बनाए जाएंगे, जिसमें दो होंगे कॉलम, एक ब्राइड के लिए, दूसरा ब्राइड ग्रूम के लिए, वर के लिए और वधु के लिए। दूसरा होगा अकोमोडेशन, आवास संबंधी होंगे, आवास या तो किराए पर लेने के लिए, ऑन रेंट के लिए बनाना होगा, या किराए पर देने के लिए मतलब टू लेट के लिए बनाना होगा। तीसरा होता है टू परचेज और फोर सेल के लिए, कोई वस्तु हमें खरीदनी है, कोई वस्तु हमें बेचनी है, तो उसके लिए किस प्रकार से विज्ञापन बनाते हैं। फिर हमें बनाना है सिचुएशन वैकेंट या वांटेड, सिचुएशन वैकेंट संस्था के द्वारा दिया जाएगा, सिचुएशन वांटेड व्यक्ति के द्वारा जॉब की तलाश में विज्ञापन होगा। लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट खोने से संबंधित, फाउंड पाने से संबंधित, मिसिंग ए पर्सन कोई व्यक्ति गायब हो जाए, तो एजुकेशनल शिक्षा से संबंधित विज्ञापन, और अदर्स में अन्य जो हम डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे, जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो हम अदर्स में ले लेंगे। तो ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की क्या हो गए, क्लासेज हो गए, डिफरेंट वर्ग हो गए, इनसे संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ज्यादातर जो एक बार आपसे बोर्ड एग्जाम इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है, इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, इससे संबंधित दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और इससे संबंधित भी आपसे दो बार लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कहने का मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, बाकी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कैसे सोल्व करना होता है, हम अच्छी तरह से समझेंगे, फॉर्मेट से समझेंगे, मैं आपको उनका एक सामान्य फॉर्मेट बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सभी प्रकार के विज्ञापनों को बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो सामान्य फॉर्मेट क्या होता है, हम उसकी भी एक बार बात करते हैं। देखिए कोई भी विज्ञापन आप जब बनाओगे तो उस विज्ञापन का एक फॉर्मेट होगा कि आप इसको एक बॉक्स में बनाओगे, बॉक्स ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 50 वर्ड का ही होगा। इसमें पहला ये कॉलम जो होगा इस शीर्षक के लिए होगा, टाइटल के लिए होगा,
क्या लिखना है हमको इसमें, टाइटल लिखना है, टॉपिक लिखना है। जैसे अभी मैट्रिमोनियल्स का बनाना है तो मैट्रिमोनियल्स में भी दो बातें हैं, या तो वांटेड ब्राइड के लिए तो वांटेड ब्राइड आएगा, ब्राइड ग्रूम के लिए तो वांटेड ब्राइड ग्रूम, टू परचेज के लिए तो टू परचेज टाइटल हो जाएगा, बिक्री के लिए फोर सेल हो जाएगा। तो उस प्रकार के टाइटल यहाँ पे लिखेंगे, और टाइटल वही इन कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, बड़े अक्षरों में लिखने, ठीक है। उसके बाद ये विषय वस्तु होगी। एक चीज ध्यान रखना है विषय वस्तु बनाते वक्त कि अभी बताऊंगा मैं आपको, ये क्या है विषय वस्तु, और विषय वस्तु बनाते वक्त हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि हमें सेंटेंस का प्रयोग नहीं करना, सेंटेंस यूज नहीं करने, हमें वाक्य यूज नहीं करने, हमें यहां पे जनरली फ्रेजेस यूज करनी है, वाक्यांश यूज करने, अर्थात सेंटेंस नहीं बनाने, क्योंकि 50 वर्ड में लिखना है, पूरी जानकारी हमें देनी होगी, तो फिर हमें वाक्य नहीं बनाने, वाक्यांश बनाने, छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट करते हैं हमें उसको बनाना, फ्रेजेस में हमको इसको बनाना होगा। दूसरा सिंपल रूप में बनाना है, सामान्य रूप में बनाना है, सामान्य लैंग्वेज यूज करनी है, और वही की पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है, हमें क्लियर स्पष्ट बातें करनी है, पॉइंट टू पॉइंट हमें बातें करनी है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, शब्द सीमा का ध्यान भी हमें रखना है, 50 वर्ड्स जो शब्द सीमा है उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये विषय वस्तु संबंधित बातें हो गई, और उसके बाद में लास्ट में हमें दो चीजें, कोई सा भी आप, एक तो क्या लिखना है हमको हर एडवर्टाइजमेंट में एड्रेस, विज्ञापन देने वाले व्यक्ति का एड्रेस, और एक उसकी कॉन्टेक्ट नंबर, और फिर इस बॉक्स को क्या कर देना है, बंद कर देना है। ये इसका एक सामान्य प्रारूप होगा कोई से भी एडवर्टाइजमेंट का, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप बनाओगे उसका एक प्रारूप होगा ये, कि सबसे पहले आपको टाइटल बनाना है, शीर्षक बनाना है, फिर विषय वस्तु लिखनी है, विषय वस्तु के बारे में बताया आपको, सेंटेंसेस यूज नहीं करने, फ्रेजेस का यूज करना है, सिंपल फ्रेजेस यूज करनी है, क्लियर रूप में हमें स्पष्ट रूप में बातें बतानी है, और वर्ड लिमिट का हमें ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको विषय वस्तु कैसे बनाते हैं उनका भी फॉर्मेट अलग से बता दूंगा, और लास्ट में हमें दो चीजें लिखनी है, एक तो एड्रेस हमें लिखना है और दूसरा हमें कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। अब आपको बता दूं टाइटल और एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर ये दो नंबर का होगा, बाकी विषय वस्तु दो नंबर की होगी, जिसमें आपसे वोकैबुलरी के ना मीनिंग्स वगैरह के नंबर देखे जाते हैं कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, कुछ कठिन नहीं है इसमें, बिल्कुल इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हमें फॉर्मेट आना चाहिए। मैं आपको एक एक फॉर्मेट मैट्रिमोनियल्स का कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट बताऊंगा, सिचुएशन वैकेंट का कैसे बनाते हैं, वांटेड का कैसे बनाते हैं, हर एक क्लास का मैं आपको क्या बताऊंगा फॉर्मेट बताऊंगा, उसके अनुसार हम कई क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो अभी आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिमोनियल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका विज्ञापन किस प्रकार से बनाते हैं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर कीजिए। थैंक यू।